अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मोहित और आप लोग देख रहे हैं 97.7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बताने वाला हाउ टू मेक अ अल्टीमेट कैरोसेल इन डब्ल्यू वी बेकरी पेज बिल्डर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपने प्लगइन का नाम यहां पर सर्च करेंगे। प्लगइन्स में आगे ऐड न्यू पे गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया प्लगइन का नाम अल्टीमेट कैरोसेल फॉर डब्ल्यू वी बेकरी पेज बिल्डर, जो कि पहले से इंस्टॉल और एक्टिवेट हुआ है। नाम देखने अल्टीमेट कैरोसेल फॉर डब्ल्यू वी बेकरी पेज बिल्डर, ठीक है जी। मैं आता हूँ इसकी पेजेस के अंदर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोला है पब्लिश पेजेस में, ठीक है जी। इसके अंदर फोर्स ग्रिड भी है, फोर्स का कैरोसेल भी है और एक स्लाइडर भी है, यानी कि स्लाइडर जो फुल विड्थ एंड स्लाइडर आता है। फिलहाल मैं आपको फुल विड्थ स्लाइडर का बताता हूँ कि कैसे आता है और क्या ये प्रोसेस है। मैं ऐड एलिमेंट पे गया, एडीसी स्लाइडर यहाँ पे आ रहा है, मैंने कैरोसेल स्लाइडर लिया। यहाँ पे सेटिंग बता रहा है कि भाई टॉप इमेज बॉटम कंटेंट चाहिए, यानी कंटेंट ओवर इमेज चाहिए, मैंने कौन से कंटेंट ओवर इमेज चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना आपको, ताकि हमारी आपको वीडियोज़ बनते रहे। आ जाए आगे बढ़ते दोस्तों, ये कह रहा भाई स्लाइडर डेस्कटॉप के ऊपर जो है वन आए टैप स्लाइड, तो टैप पे वन आए, मोबाइल पे वन आए स्लाइड, तो स्कॉल वन हो जाए, ठीक है जी। मैंने कहा सही है, साइड इफेक्ट स्लाइड इफेक्ट मैंने कहा राइट राइट को लेफ्ट हो, ऑटो प्ले सही है, लेफ्ट से राइट सही है जी, ये भी हो गया, पॉज रखें उसको। नेविगेशन के अंदर मैंने कहा भाई एरोज डिसेबल कर दें, सही है, और एरोज इनेबल कर दें और डॉट्स डिसेबल कर दें, ठीक है जी। कैरोसेल लाइट फॉर मोबाइल फिलहाल इस पर नहीं आते हम, तो हम अभी यहाँ पे से क्रिएट करते हैं और बाकी सेटिंग देखते हैं आगे। मैं गया, ये हमारी एक अभी एक स्लाइड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम, स्लाइड सेटिंग के अंदर आगे प्लस पे निशान पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज लेंगे, इमेज लाइब्रेरी से ये एक इमेज मैंने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे टोटल 3 इमेजेस लेंगे हम, ठीक है जी। मैंने कहा भाई ये 100% कर दो, सही, और तो भी 100% कर दिया और सेव कर दिया। और इसी तरह दो और ले लेंगे स्लाइड हम डुप्लीकेट करके, मैंने कहा दो एक स्लाइड और ले ली हमने और सेव कर दिया, और तीसरे स्लाइड में भी इमेज चेंज कर देंगे हम, ठीक है जी। तीसरे स्लाइड ये ले लेंगे हमने और इसको सेव चेंज तो ऊपर अपडेट किया मैंने, अब और अपडेट करने के बाद मैंने व्यू करा पेज, देखते हैं क्या आता है। ये देखें फुल विड्थ स्लाइडर आप पास आ गया, यहाँ से मैंने सेटिंग जो है पहले ये रखी हुई है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे फुल विड्थ स्लाइडर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको फुल विड्थ कंटेंट इमेज यहाँ पे आ गया। एरोस एरोस्तान है जी, ये रहो जो कि ब्लैक हैं, तो कलर चेंज करेंगे तो दिख जाए आपको स्लाइड, ठीक है जी। विद हमने 900% रखी तो ज़्यादा हाइट भी ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट हाइट आप फोर साइड सेंगे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अंदर और क्या ऑप्शन है जी, टाइटल मैंने कहा भाई हेलो वर्ल्ड, सही है जी, हेलो वर्ल्ड, और टाइटल का फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 30, टाइटल कलर मैंने यहाँ पे येलो रख दिया, फॉन्ट विड्थ नॉर्मल है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन आपको वाली तो देनी है, तो मैं दे देते अपने हिसाब से। मैंने कहा बटन चाहिए, मैंने कहा जी एस चाहिए बटन, मैंने कहा विथ मी वाल दे दिया फिलहाल टेम्प्रेरी तौर पर, सही डिफॉल्ट आ रही सारी चीज़ें, हमने कहा थोड़ा अपने एडिशन मिलने चीज़ होगा तो, और सही है इसको फिर बोलते हैं, और इसको अपडेट कर दें और अपडेट करने का मैंने रिफ्रेश किया कंट्रोल शिफ्ट आर, तो कंट्रोल शिफ्ट आर के बाद आप देख सकते हैं ये स्लाइड इस तरह आ रही है, और इसके अंदर आप देखना ही नहीं है, बटन जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ गया, हेलो वर्ल्ड टाइटल आ गया, ये सब एडिंग फॉन्ट आ रहा है,
ठीक है जी, एरो का कलर आपने इस तरह से अपने हिसाब से कस्टम किए थे इससे, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर एक और चीज़ है हमारे पास पोस्ट ग्रेड, पोस्ट ग्रेड किस तरह आती है वह इसके अंदर देख लेते हैं, डिफरेंट स्टाइल ने इसके अंदर, ठीक है जी। और वो मैंने कहा भाई फोर आनी चाहिए एक रॉ में, और कंटेंट एक सिर्फ 50 हो जाए। सो कमेंट मैंने कहा नहीं भाई, सो कैटेगरी मैंने कहा ये भी हाइट कर दो, ये फर्स्ट स्टाइल वाली सारे प्रो हैं तो सेव करता हूँ इसको। और सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ रहे हैं, जितनी पोस्ट है उसने सारी शो करा दी, ठीक है जी। चार हमने सेलेक्ट करी थी, एक रो में से चार चार करके दिखा दी कि मेरे पास फोर सी ग्रेड आ रही है, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि ज़ीरो कर दें इसको और सही, ये हमारे पास ऑप्शन दे रहे थे, मैंने कहा ज़ीरो कर दें, स्टाइल को सेलेक्ट कर लें और स्टाइल टू देखते हैं किस तरह का व्यू आता है हमारे पास। स्टाइल टू मुझे किस तरह जिस तरह का व्यू है, टाइटल वाइटल साइज छोटा कर दें आप, ये ऑथर का नाम आ रहा है, ये अपडेट आ रही है जो, तो ये ग्रिड डिजाइन का मसला है, ठीक है जी। और हम इसको जीरो पे करते हैं, ये फ्रेश कर देते हैं, देखें कैसा आता है। ये देखिए फुल विड्थ से बिल्कुल सेट हो गया है, ये वो फिर शुदा, ठीक है जी। और इसमें अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, पोस्ट का कैरोसेल, ये तीन चीज़ें एक लाइन के अंदर आप कर सकते हैं, यानी पोस्ट का स्लाइडर आ जाएगा। और ये एक हमने नॉर्मल स्लाइड बनाया इमेज के साथ, और अब ये पोस्ट का कैरोसेल आ जाएगा, स्टाइल वन हो गया, ठीक है जी। इसमें मैंने कहा कमेंट नहीं कराने, कैटेगरी भी शो नहीं करानी, एरो शो कराने हैं, ऑटो प्ले ठीक है जी रहेगा, और ये सारे ऑप्शन रहेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। मैंने सेव किया इसको और अपडेट करता हूँ, मैंने हार्ड रिफ्रेश किया और हार्ड रिफ्रेश करने आ रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा इस पर, तरीका क्या ये है, तो एक रॉ लिया मैंने, रॉ के अंदर इसको मैंने रख दिया डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि वो फिल विट कर दिया, जैसे इसकी रॉ खराब आ रही है सर कॉलम, तो भी ये हमने सेट कर दिया, लेआउट तो नीचे वाला सेट आना चाहिए, ये देखिए इमेज ऐसी लगी वैसे से खराब आ रहा है, इस पर कुछ इमेज नहीं है, जितनी नंबर ऑफ स्लाइड आ रही है वो इस वजह से इतने सारे डॉट दिखा रहे, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिव फॉन्सिव में ही है ये, तो सेट करना पड़ेगा अपने हाथ से। अगर इसको हम चेक करते हैं फॉन्सिव वर्ड्स में, सो ये रिस्पॉन्सिव भी हैगा जी, रिफ्रेशर भी चेक करेंगे तो सही आएगा, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। और अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बेसिक भी लगे हैं चैनल सी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मैं दे दूंगा। हमने तीन चीज़ें चेक करी, क्या चीज़ें चेक करी, एक स्लाइडर कैरोसेल स्लाइडर चेक करा हमने, नॉर्मल स्लाइडर, एक हमने पोस्ट ग्रिड चेक करी, हमने पोस्ट कैरोसेल चेक किया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।